वेलकम टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका। अप टू नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन द सब सेक्शन ऑफ फेडरलिज्म एंड इट्स कनेक्शन विथ इंडिया, इन विच वी स्टडीड अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। I told you earlier that after the discussion of these two things, we will start discussion over another segment, none other than center-state relationship. What do you mean by center-state relationship? Definitely, because our mother tongue is Hindi, then definitely we are just studying in English, we want to speak in English, we speak in English. But when the time comes to understand the fact, then what's our hope? None other than, sir, give me the explanation in Hindi, I will translate. Aisa hi hota hai, aisa hi main sun sun kar dekha hu. Or in fact, when I was the student also, by the grace of God, I know that how to translate. Might be possible that I will do some mistake and all. अभी भी हो जाए गलती, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा निपुण, लेकिन हाँ इतनी चीज़ों को मैं खुद ही ट्रांसलेट कर लिख दूंगा कि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो होता क्या है हम लोगों के साथ कि भाई हिंदी में बता दो, दिमाग में रहना चाहिए, कहे कि रट्टा कितना मारे। सेंटर स्टेट रिलेशंस को हिंदी में सामान्यतः समझ लो कि हम लोग केंद्र और राज्य के संबंध की बात कर रहे हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो यही है, केंद्र में एक सत्ता, राज्यों के लिए अलग सत्ता। तो जब राज्य केंद्र के अधीन है, मतलब राष्ट्र के अधीन राज्य है, बिहार कहाँ है, भारत के अधीन। अब भारत के प्रमुख कौन है, तो प्रधानमंत्री है महोदय है, राष्ट्रपति महोदय है। राज्य के कौन है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री है। तो डेफिनेटली एक संबंध तो रहेगा, एक संबंध तो रहेगा, हम लोग उसी चीज की चर्चा करेंगे। भारत इस मामले में, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया वॉज वेरी फॉर्चुनेट कंट्री, भारत बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। क्यों? चूंकि जब आप एक कल्पना के साथ किसी चीज को क्रियान्वित करते हैं तो मूल समस्याएं क्या आती हैं, मूल समस्या आती है कि चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, सुनने में अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, उनका क्रियान्वयन का स्वरूप कैसा होता है, हाउ इट वर्क्स। एंड इफ वी विल स्टडी और वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन हम लोगों ने उस विषम पड़ाव को बहुत ही आसानी से पार किया। कारण क्या था कि जब आजादी मिली, जब यह स्वरूप चर्चा में आया, उसके बाद कई वर्षों तक दशकों तक लगातार प्रारंभ हुआ, केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार बनती है। जी हाँ, अगर भारत की बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप जानते होंगे कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मुरारजी देसाई को मिला था। मुरारजी देसाई जमीन से जुड़े हुए नेता, लेकिन आपको जानकारी एक इसमें है नहीं जरूरत, लेकिन अब चूंकि मेरे दिमाग में आ गया तो मैं दे देता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी कुछ गलतियों का नतीजा था कि हमारे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न जाने कितने लोग पाकिस्तान में मारे गए थे उनकी बेवकूफ़ी से। तो उसकी चर्चा तो मैं ऋषि द क्रिएटर में करता हूँ, चूँकि वो जनरल स्टडीज़ की तैयारी है, कॉम्पिटिटिव तैयारी है, इसमें आपकी ज़रूरत नहीं। लेकिन वो मतलब क्या था, उसके पहले तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण कि
राज्य जो थे उन्होंने कभी कोई ऐसी गतिविधि की ही नहीं, दे डिडंट डू एनीथिंग जो कि केंद्र के मन के अनुकूल ना। वस्तुतः एक दल की सरकार होने के कारण भारत उस प्रकार के विषम परिस्थिति का सामना करने से लगातार बचता था। कारण क्या है जो कि बाद में देखने के लिए मिला, उसके बाद जब क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व बढ़ने लगा तो कई बार ऐसे उदाहरण मिले जब केंद्र और राज्य के हितों में टकराव स्पष्टतः देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि फिर केंद्र में दूसरे की सरकार है, राज्य में दूसरे की सरकार है, और जिसके कारण कि केंद्र क्या करने लगे, क्योंकि भाई उनकी पार्टी की सरकार नहीं है तो वो राज्य के हितों की अनदेखी करने लगे, उनके लिए उचित सहयोग नहीं मुहैया कराने लगे। आज भी हो रहा है, इस चीज को अतीत में जाकर मत देखो। केंद्र राज्य के संबंध के मधुरता को अगर समझना है तो आप ये समझो कि कभी भी आपने पहले सुना था कि राज्य में कोई परेशानी हो रही है, केंद्र के साथ अनबन चल रहा है? तुम बोलोगे नहीं सर, हम लोग तो छोटे थे, हम लोगों के पिताजी भी जल्दी तो नहीं सुने हैं। इट्स फैक्ट। इनफैक्ट आपको जानकारी होगी कि लुटियन के बंगले में बैठकर गांधी परिवार या कांग्रेस परिवार यह निर्णय कर लेते थे कि भैया पंजाब में किसको ज्यादा सीट आई है तो भैया कांग्रेस को है, तो ठीक है इनको मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा नहीं है कि उनको वहां जाना है, सोचना है, माथा पेचीदा कुछ नहीं, चूंकि एक ही पार्टी। अब स्वाभाविक है कि अगर मुख्यमंत्री का चयन वहीं से हो रहा है जिनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में है तो स्वाभाविक है कि कभी भी केंद्र की नीतियों के विरुद्ध नहीं जाएंगे, तो स्थिति तो सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। लेकिन जब पार्टियां बदलने लगी, ऊपर कांग्रेस, नीचे क्षेत्रीय दल, अन्नाद्रमुक, द्रमुक, तरह तरह की पार्टियां, शिवसेना, अकाली दल, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, तो आपको कई प्रकरण दिखेंगे जब केंद्र राज्य के संबंध मधुर नहीं रहे। चूंकि बिहार से हैं तो इसको समझने के लिए सबसे आसानी से आप समझ लीजिए 90 का वो दौर, जब एक समय आया जब उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी एक मामले में कुर्सी छोड़नी पड़ी और तब श्रीमती राबड़ी देवी जी उस पद पर आसीन हुई, सीबीआई जांच बैठाई गई, मनमुटाव शुरू, और वह दौर आज भी जारी, वह दौर आज भी जारी है। आप इस चीज के लिए सबसे ताजा उदाहरण बच्चों आप समझ लो कि भैया ये कोरोना काल में पूरा का पूरा चुनाव करवाया गया। कहाँ करवाया गया? कई राज्यों में करवाया गया, लेकिन मूल केंद्र में था पश्चिम बंगाल, भालो मानुस राज्य। क्यों? केंद्र सरकार के दिमाग में था कि इस बार सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाएंगे, हम सत्ता बनाएंगे, और उसके लिए उन्होंने इस पेंडेमिक कंडीशन में भी क्या किया, चुनाव के लिए हम लोगों को ढकेल दिया, और बाद में भी कोरोना के पेंडेमिक कंडीशन को तो हम लोग देख ही रहे। चूंकि वहां पाबंदी, अगर केंद्र सरकार कोई नियम बनाती तो पूरे राज्यों के लिए होता, समस्त राज्यों के लिए होता, तो वो नहीं चाह रही थी कि वैसा कुछ करे जिसको कहीं लागू किया जाए कहीं नहीं किया जाए, तो उसने शिथिल छोड़ा। बाद में हम लोग झेले, लॉकडाउन भी लगा ना, कब लगा लॉकडाउन चुनाव के बाद? यह केंद्र राज्य के आज के समय में प्रतिकूल संबंधों को बताता है। आज भी चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो पश्चिम बंगाल की, केंद्र सरकार के लोग हो, प्रतिनिधिगण, अस्पष्टता तुम अगर समाचार पत्र पर होगे तो चाहे वो बाढ़ आपदा में बैठक में शामिल होने की बात हो या कई तथ्य तुम्हें मिलेंगे जिससे तुम्हें लगेगा कि केंद्र राज्य के बीच में संबंध मधुर नहीं। लेकिन आज अगर ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, चूंकि भारत ने अपनी नींवें मजबूत कर
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ा मतलब आंदोलन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी, चूंकि अब हम लोगों का लोकतंत्र दस को पुराना हो। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति पहले हुई होती तो भारत भी अखाड़ा बनकर रह गया, अर्थात बॉटम लाइन फैक्ट है। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो यह बात स्पष्ट है कि प्रारंभ में अगर चीजें काफी शांतिपूर्ण ढंग से संपादित हुई, केंद्र राज्यों के संबंध मधुर रहे, तो स्पष्ट है कि इसके पीछे का एक और एक ही मजबूत कारण था, और वह था कि केंद्र तथा राज्यों में एक ही पार्टी की सामान्यतः सरकारें बनी, और अन्यथा अगर इस प्रकार की परिस्थिति होती तो समय बड़ा ही विचित्र परिस्थिति होता भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय लोकतंत्र के स्थापना। कारण हम कभी भी मतलब निष्पक्ष न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें नीतियां बहुत ही निष्पक्ष तरीके से प्रभावित बनानी हो, उसे प्रभावकारी बनाना हो। क्यों? चूंकि भारत कोई सिर्फ हिंदी बोलने वाली भाषा का देश नहीं। यहां पर आपके पेज में एक जानकारी मिलेगी कि देखिए कितनी ज्यादा क्षेत्रीय भाषाएं भी है, वो 21 भाषाओं के अलावा कितनी ज्यादा, मतलब किस प्रकार से भाषाओं का वितरण है, क्षेत्रीय भाषाओं का, रीजनल लैंग्वेजेस का, वह चीज आप देख सकते हैं। इसका मतलब कि कम इतनी संस्कृतियों को एकजुट रखना, यह अपने आप में कम बड़ा कार्य नहीं। एंड फॉर दैट इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट काइंडली मेक अ मैप ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मैं पॉलिटिकल मैप बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस तरह का मानचित्र बनाएं जो भाषाई आधार पर भारत का मतलब भारत को प्रदर्शित करे, लगे कि हाँ इस मैप को देखने के बाद हम आसानी से समझ जा रहे हैं कि हाँ भैया ये भाषा इस जगह में है, ये भाषा इस जगह में, ये भाषा इस जगह में, राजस्थानी यहाँ बोली जाती है, पंजाबी वहाँ बोला जाती है, कन्नड़ यहाँ बोला जाता है, तमिल यहाँ बोला जाता है। तो उस तरह का आप बनाइए और उसको समझिए, एंड इट्स माई फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इन माई नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ओवर द टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अप टू नाउ थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।